स्वागत है आपका मेरे चैनल यदुवंशी ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आराम से होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज आपका ब्लॉग है हमारा, आज बनाएंगे गोभी और आलू की सिंपल सी भुजिया। थोड़ी मेरी स्टाइल में है, थोड़ी हो सकता आप लोग के स्टाइल में भी हो सकती है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो गोभी रखी है हमने और आलू कट कर लिया है। और ये जो है ना, ये गोभी का डंठल है, जो उसका डंठल निकलता है उसको छील के ऐसे कर लिया। अब इसका छोटा छोटा आलू के जैसे टुकड़े कर लेंगे। इसको फेंकते नहीं है, इसको भी यूज कर लेते हैं, बहुत से लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसको सब्जी में कट करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और थोड़ी सी धनिया है, अदरक है, मिर्ची है, लहसुन है, ये तड़के में जाएगा। और थोड़े सूखे मसाले जाएंगे, थोड़े खड़े जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और प्लीज़ आप लोग चैनल पर बने रहिए, ब्लॉग पूरा देखिए और अपना प्यार दीजिए ब्लॉग को, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए तैयार करते हैं आज की रेसिपी। तो गोभी इतना छोटा छोटा कट कर लिया है, देखिए छोटा छोटा सा आलू के साइज का। और मिर्ची कट कर ली है, गोभी छोटा छोटा कट कर लिया है, और ये लहसुन को कूट लिया है और अदरक को कूट लिया है। इसको कूट के डालेंगे, काट के नहीं डालेंगे इसमें। चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में पड़ गया है तेल, तेल हो गया गरम। अब इसमें जाएगी सरसों और सौंफ, ये गई मिर्ची, और ये कुटा हुआ लहसुन, और ये कुटा हुआ अदरक। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। देखिए लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, और अब ऊपर से जाएगी इसमें हींग। अब डाल देंगे इसमें गोभी। देखिए इसमें आलू गोभी डाल दिया है, और इसको चला के अभी ढक देते हैं, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, फिर थोड़ा सा सूखा मसाला जाएगा इसमें। देखिए सब्जी को धीमी आंच पे रखना है, और इसको गोल्डन होने तक ऐसे ही भुनना है। इसमें थोड़ा सा मसाला जाएगा, ये थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अभी दो तीन चीज और है, वो लास्ट में जाएगी। प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो पर। देखिए फ्रेंड्स, सरसों धीमी आंच पे ही पक रही है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाला था, वो वीडियो में स्किप हो गया। देखिए आलू गल चुके हैं कुछ, और थोड़े से नहीं गले हैं, उनको भी गल जाने देते हैं। फिर अभी इसमें दो चीज़ और जाएगी, वो लास्ट में जाएगी दो चीज़। अभी एक बीच में डालेंगे, फिर एक लास्ट में डालेंगे। देखिए पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए अब जाएगा इसमें नमक, डाल के चलाएंगे, दो मिनट तक और पकाएंगे ढक के। देखिए चुटकी भर जाएगा इसमें गरम मसाला, ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही गरम मसाला डालना है। और बस दो मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे, और इसमें जाएगा दो चीज़ और, वो लास्ट में जाएगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो अब लास्ट में जाएगा दो चीज़ जो थी, वो जाएगा नींबू, और
थोड़ी सी धनिया पत्ती, यही दो लास्ट में था, इसको मिला देंगे। तो रेडी है सब्जी, तैयार है आलू गोभी की भुजिया सब्जी, और थाली लग गई है पूरी। दाल लहसुन मिर्ची के तड़के की अरहर की दाल है, चावल और आलू गोभी की भुजिया सब्जी, रोटी और सलाद। तो आप लोग बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसी बनी है। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग को अगर पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।